हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने अपनी वीडियो को वहीं से स्टार्ट किया है जहां से कि मैंने अपनी वीडियो का किया था एंड। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूं हाथ मुंह धोकर, तो थोड़ा सा मैंने क्या मेकअप शेकअप कर लेती हूं, हल्का सा जो है मैं रेडी हो जाती हूं, क्योंकि घर पर आने वाले हैं कुछ मेहमान, तो मैं पूरी तरह से जो है ना रेडी भी नहीं हो पाई थी और मेहमान जो हैं वो मेरे घर आ गए हैं। सो फ्रेंड, मेहमान जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल और बहुत ही ज़्यादा ख़ास हैं। असल में मेरे घर पर जो मेहमान आए हुए हैं ना, तो वो हैं मेरे मायके वाले। तो ये जो बैठी हैं तो मेरी अम्मी हैं जिनसे कि मैं बात कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, मेरी अम्मी के साथ साथ ना मेरी बहन और बहन के हस्बैंड वो भी आए हुए हैं, तो वो वीडियो में नहीं आए हैं। वो बैठ के जो है ना हेडपोर्ट की साइड में बैठे हुए हैं, तो वो भी मतलब बेड की पिछली साइड में बैठे हुए हैं, जो कि आप लोगों को नज़र नहीं आ रहे होंगे। तो मैं ना उनसे ही बात कर रही हूँ, मेरी बहन से और बहन के हस्बैंड से। तो हम लोगों की चल रही हैं ढेर सारी बातें, मतलब काफ़ी सारी गपशप चल रही हैं। और जब अम्मी आती है ना, तो फिर हमारी बातें जो है ना वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है। तो यहाँ बहुत सारी मेरी जो है बातें चल रही हैं, और साथ ही साथ मेरे जो है ना चोटी बनने से रह गई थी, तो बस वही मैं बना रही हूँ। मेकअप तो मैंने कर लिया था, उतने में ही अम्मी जो है ना आ गई थी। तो बस यहाँ मैं हो गई हूँ रेडी, और साथ साथ चल रही है हमारी ढेर सारी बातें, काफ़ी मस्ती भरी भी बातें चल रही हैं। तो ये देखिए, चोटी वगैरह जो है मेरी हो गई है, और अब मैं अम्मी से थोड़ी सी जो है ना मतलब वही बातें जो है चल रही हैं कर रही हूँ। और इयररिंग्स पहनने से रह गए थे, तो वो भी मैंने डाल लिए हैं। अच्छा नहीं लगता है ना ऐसे नंगे नंगे से कान। तो फ्रेंड्स, मैं बोल रही हूँ आप सभी को हाय। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में चाय वगैरह बनाने के लिए और जो है नाश्ता लगाने के लिए। तो नाश्ते में मैंने जो बिस्किट लाई थी मैं विशाल से, वो मैंने निकाल लिए हैं। गुलाब जामुन गर्मा गर्म बढ़िया सी एकदम ताज़ी सी वो मैंने मंगा ली हैं। और साथ ही में जो है मूंगफली के मसाले वाले दाने, जो नमकीन होती है ना, वो मैंने निकाल ली है। और यहाँ देखिए, रूम में भी जब तक मैं रही तो अम्मी से मेरी ढेर सारी बातें चलती रही, और अब मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ, तो अम्मी ना किचन में भी मेरे साथ साथ खड़ी हैं और काफ़ी सारी बातें कर रही हैं। और उनको जो है ना मैं ये स्पून दिखा रही थी जो कि मेरी शादी के, तो मैं अम्मी से ना यही कह रही थी कि अम्मी मेरी शादी के स्पून है जो कि मैंने अब निकाले हैं। तो वही जो है ना वो कह रही थी कि इतने टाइम के बाद, और बहुत खूबसूरत से जो है मेरी ये स्पून है, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने जब से नहीं निकाले थे अब आकर के मैंने ये निकाले हैं। सो फ्रेंड, यहाँ देखिए नाश्ता मैंने लगा दिया है, और यहाँ जो है अच्छे से बढ़िया से ओट रही है चाय। अभी इसको ना मैं थोड़ा सा और ओटाऊँगी ताकि अच्छा सा जो है इसके अंदर कलर भी आ जाए और बढ़िया सा फ्लेवर भी आ जाए। सो फ्रेंड, नाश्ता लग गया है। आप लोगों को जो है वहाँ लेकर नहीं चल सकती हूँ मैं, मतलब रूम के अंदर वीडियो नहीं बनाऊँगी, तो मैं यहीं आप किचन में ही आप लोगों से बोल रही हूँ कि आ जाइए फ्रेंड्स, आप सब भी हम सबके साथ में नाश्ता कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, सभी का जो है नाश्ता वगैरह कराया, उसके बाद में फिर मैंने जो है ना बस यहीं तक, मतलब किचन तक ही मैंने वीडियो बनाया था। इसके बाद मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाया, क्योंकि भाई उनकी अपनी प्राइवेसी है, तो वो वीडियो में नहीं आना चाहते, तो मैं ज़बरदस्ती किसी से फोर्स भी नहीं करती हूँ। अपनी अपनी खुशी है, अगर कोई खुशी से आना चाहे मेरी वीडियो में तो आ सकता है, अदरवाइज़ मैं किसी से भी जो है ना ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ, क्योंकि भाई अपनी अपनी प्राइवेसी है। वैसे तो अम्मी भी जो है ना वीडियो में नहीं आना चाहती हैं, और जो है ना बस मैं, वो तो मेरी अम्मी है भाई, माँ है, तो उनको तो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि ये जो है ना मेरे लिए भी एक ख़ास जो है ना पल बन जाता है, मतलब एक जो है ना बहुत अच्छा जो है ना वक्त हो जाता है कि यादगार रहता है। तो अम्मी की क्लिप्स जो है वो मैंने ले ली है, और वो मैंने कट भी नहीं किए, मतलब बीच में से जैसे कि मैं चोटी वगैरह ही बना रही थी तभी जो है अम्मी आ गई थी, तो फिर मैंने उसको जो है ना उसकी जो है वीडियो मैंने कट नहीं की, वो मैंने पूरी ही आप लोगों के साथ में शेयर की है। तो अम्मी वगैरह के जाने के बाद में ना, जब अम्मी और बहन ये लोग सब चले गए थे, तो उनके जाने के बाद मैंने बर्तन जो रखे हुए थे, जो मैंने सुबह में धोए थे, वो सारे मैंने लगा दिए। और अब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी ये ग्रोसरी, जो कि मैं विशाल मेगा मार्ट से लेकर आई थी, और काफ़ी टाइम पहले लेकर आई थी, बट मैंने आप लोगों के साथ में शेयर ही नहीं की थी। तो फ्रेंड्स, पीछे जो रखा है वो है नमकीन का, मिक्स नमकीन का पैकेट, और जो मैंने अभी नाश्ते में निकाला था ना, तो वो है मूंगफली के मसाले वाली जो मूंगफली की नमकीन होती है ना वो, और साथ ही में जो आप ये देख रहे हैं फुल ब्लूम का चाय का पैकेट 1 kg है, और इसके साथ में जो आगे आप देख रहे हो ना ये खाकी कलर के, तो 2 packets जो रखे हुए हैं ना, तो ये चीनी के हैं। इस पैकेट के साथ में 7 kg चीनी हमें बिल्कुल फ्री मिली है, और साथ ही साथ जो पीछे आप देख रहे होंगे 2
बिस्किट के येलो कलर के पैकेट और एक जो है कॉफ़ी कलर का, तो ये ऑफ़र में था उस टाइम, एक के साथ एक ही फ्री मिला। तो ये हस्बैंड को मेरे पसंद है बहुत ज़्यादा येलो वाला और कॉफ़ी वाला जो है, तो वो बच्चे खाते हैं तो वो भी लेकर आई हूँ। और साथ ही साथ जो है कुछ जो है वो क्या बोलते हैं राइस फ्लोर और सूजी, वो भी एक के साथ एक फ्री। और ये बेसन के पैकेट हैं मेरे अभी हाथ में जो कि मैंने अभी दिखाए हैं। कुछ दालें वगैरह पीनट्स बटर जैम और कॉफ़ी, और ये है मैगी का पैकेट जो कि बच्चों ने एक खाकर जो है ना बराबर कर दिया है। कुछ तेज़पत्ता, लाल सूखी मिर्च, तो कुछ सामान ना मैंने लोकल शॉप से भी मैंने मंगाया है जैसे कि मखाने, लाल मिर्च। तो ये दो तरह की मैंने मंगाई हैं, एक जो है तो वो कम तीखी वाली है और एक जो है ज़्यादा तीखी वाली है, तो कम तीखी वाली चटनी में मैं यूज़ करती हूँ। और एक ये है जो है मैंने बास्केट लेके आई थी, मतलब ये देखो मैंने अभी इसका क्या यूज़ करूँगी। साथ ही साथ जैसे कि टॉयलेट क्लीनर है और जो है वो है कॉलिंग है, ये लेकर आई थी, और बर्तन धोने का जो होता है वो, और डिश वॉशर, और ये कढ़ाई, और इसके साथ में दो छोटी सी कटोरियाँ, और चाय छन्नी दो लेकर आई थी आलू मेशर, और ये है पीनट्स बटर, और एक बास्केट में ये लेकर आई थी। तो वीडियो जो है ना आगे पहुँच गया है और मेरी वॉइस जो है वो शायद पीछे ही रह गई है। तो फ्रेंड्स एक में ही लेकर आई हूँ ऑर्गेनाइज़र और मग लेकर आई हूँ किचन में यूज़ करने के लिए। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा सामान जो है ना लाकर जो है ना किचन के लिए इकट्ठा कर रही हूँ किचन का मेकओवर करने के लिए। और फ्रेंड्स एक में ही लेकर आई हूँ शीट्स जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो फ्रेंड्स हम मिडिल क्लास वाले लोग जो होते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा सा ही सामान लाकर जो है ना इकट्ठा करते हैं, एक साथ हम लोगों का जो है बजट नहीं हो पाता है तो नहीं ला पाते हैं। तो मैं बहुत थोड़ा थोड़ा सामान लाकर ना इकट्ठा करती हूँ और फिर आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। और ये ग्रोसरी भी मैं 2-3 बार में जा कर के लेकर आई थी, मैंने कहा सब एक साथ ही मैं जो है ना आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और हाँ एक चीज़ ये है कि जो है ना मंथली ग्रोसरी में जो चीज़ें मेरे पास होती है ना वो मैं बिल्कुल नहीं लाती हूँ, एक्स्ट्रा मतलब नहीं लाती हूँ। जो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं ना वही चीज़ें लाती हूँ, और जो चीज़ें मेरे पास पहले से होती हैं वो मैं नहीं लाती हूँ। और फ्रेंड्स अब मैं करूँगी मैं आप लोगों के साथ में मंथली ग्रोसरी तो आप लोगों के साथ में मैंने शेयर की दी कर ही दिए, और अब मैं करूँगी आप लोगों को कि मैं अपने मंथली ग्रोसरी को किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो ये एक बड़ा सा जो है ना वो है बॉक्स है डब्बा, और इसके अंदर जितने भी जो है ना वो राइस फ्लोर है या सूजी है बेसन है, ये जितने भी पैकेट्स हैं ना वो मैं इसके अंदर रखूँगी। और हाँ एक ही लेकर आई थी मैं स्प्रे बोतल, जो कि मैं कॉटन के कपड़ों पर प्रेस करती हूँ ना, तो उसमें जो है मेरे बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। और ये हैं कुछ जेम के जार जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे सच में ना बहुत पसंद है ये, और मैं इनको जो है ना बिल्कुल मतलब वेस्ट नहीं करती हूँ, इनको वॉश करके जो है मैं रीयूज़ कर लेती हूँ। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया है कि वैसे अगर कांच के हम जार लेकर आए ना तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, तो इस वजह से जो जैम के या अचार के होते हैं ना तो वो उनको जो है मैं धो करके रीयूज़ कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने इसके अंदर जितने भी जैसे कि सूजी के पैकेट के साथ में एक पैकेट जो है ना फ्री मिला था, बेसन के पैकेट के साथ भी एक पैकेट फ्री मिला, पोहे के पैकेट के साथ भी एक पोहा का पैकेट जो है ना फ्री मिला था उस टाइम, मतलब जो है ना काफ़ी अच्छा ऑफर चल रहा था, इसी वजह से मैंने जो है अपनी मंथली ग्रोसरी जो थी वो सारी की सारी जो है ना विशाल से ही की थी। और हाँ ये भी लेकर आई थी मैं क्या बोलते हैं सोयाबीन की बरी जो होती है ना बड़ी है, तो उसका पैकेट ये अभी आप देख रहे होंगे मेरे जार में जो रखा है ना ऑरेंज कलर का, तो इसके पैकेट के साथ भी एक पैकेट जो है फ्री ही मिला था। और बादाम काजू वगैरह तो मैं वहीं से ही लेकर आई थी। और अब ये भर रही हूँ मैं चीनी जो कि मेरी जो है ना चाय पत्ती के साथ में मिली है, फुल ब्लूम चाय के साथ में जो है ना 1 kg का था पूरा 1 किलो का, तो उसके साथ में 7 किलो चीनी हमें उस वक्त फ्री मिली दीपावली के टाइम की है ये ग्रोसरी शॉपिंग जो मैं कर लेकर आई थी। और ये जो पैकेट में इसके डब्बे के अंदर मतलब चीनी के पलट रही हूँ ना, तो इसके नीचे जो ये कॉर्नर है ना ये फट गए थे, तो मैंने कहा चलो वैसे तो मैंने ऊपर से खोले थे लेकिन जब मैंने देखा कि फट गए हैं और चीनी निकल रही है तो फिर मैंने यहीं से ही जो है ना फाड़ कर जो है डब्बे में जो है भर ली है चीनी, और जो थोड़ी सी बची है तो वो मैं डब्बे में भर लूँगी। साथ ही साथ जैसे कि ये नमक का पैकेट भी मैं लेकर आई थी, तो 2 लेकर आई थी और 2 में से आधा जो है मैंने यूज़ कर लिया था और आधा मैंने जो है पैक करके रख दिया था उसको,
तो वो भी जो है मैंने अभी जो है जार के अंदर पलट लिया है। और ये एक जो है हल्दी का पैकेट था, जैसे कि पिछले महीने का ही बचा हुआ था ये, तो वो भी मैंने जो है ना डब्बे के अंदर पलट लिया है। अब ये जैसे कि लाल सूखी मिर्चें जो है ना, तो वो उनको मैं भर रही हूँ, और इनकी जो है ना मैं डंडियाँ तोड़ नहीं रही हूँ। अगर डंडियाँ तोड़ लो ना, तो फिर जो मिर्ची के बीज होते हैं ना, वो सारे निकल कर बाहर आ जाते हैं। तो मैं पहले जो है ना मैंने मिर्ची को प्लेट में पलट लिया था, और फिर उसके बाद में एक एक करके उसके अंदर डाला कि डंडियाँ और कूड़ा वगैरह जो है ना वो निकल जाता है, जो भी होता है वो दिख जाता है। और इसी तरह से मैं तेज़पत्ता को भी जो है मैंने प्लेट के अंदर भर लिया है। इसके अंदर जो ख़राब तेज़पत्ता होते हैं, जैसे येल्लो पड़ जा, येल्लो या ब्लैक से हो जाते हैं वो, या टूटे से होते हैं, या कोई डंडियाँ वगैरह होती हैं, तो वो मैं साफ़ करके जो है ना भर लेती हूँ। अब जैसे कि साबुत साबुत तेज़पत्ता थे, तो वो मैंने बड़े डब्बे में कर लिए, जो छोटे छोटे से थे टुकड़े टूटे हुए, तो वो मैंने एक छोटे से जो है डब्बे में कर लिए, ताकि वो उनको जो मैं क्या करूँगी कि जल्दी से पहले उनको ही यूज़ करूँगी। तो ये भी बहुत अच्छे से जो है एक आइडियाज़ हैं फ्रेंड्स। मैं आप लोगों के साथ में जो है ना ग्रोसरी ऑर्गेनाइज करने के साथ में ना आपको एक आइडियाज़ भी दे रही हूँ, तो आपको कैसे लग रहे हैं मुझे बताना ज़रूर। साथ ही साथ ये जो जार होते हैं ना, इनके अंदर मैं अपने ड्राई फ्रूट्स ही ज़्यादातर भरती हूँ। तो जैसे कि मैंने इसके अंदर काजू और ये पिछले महीने के रखे हुए थे, तो जो पहले के थे वो मैंने यूज़ कर लिए थे, अभी जैसे कि पिछले महीने के वैसे ही रखे हुए थे बंधे हुए, तो वो भी मैंने जार के अंदर पलट लिए हैं, और जो अब आए हैं तो वो बाद में यूज़ कर लूँगी। असल में क्या है ना, अब सर्दी आ गई हैं, तो सर्दियों में जैसे कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है बहुत ज़्यादा काम में आते हैं, तो कुछ ना कुछ जो है ना ड्राई फ्रूट का हम बनाते ही रहते हैं, और सर्दियों में जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी रहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं लेकर आई थी ये आधा किलो पीनट्स जो है, तो इनको भी जो है ना मैंने दो जार में कर लिए, तो उसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गई थी, तो फिर मैंने थोड़ा सा निकाल कर ना उसमें पलट लिया है। और बादाम जो है, तो वो हमारे पिछले महीने के जो थे वो सारे ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि बच्चों को भी मैं दो चार रोज़ डेली दे देती हूँ, और दो चार में भी खा लेती हूँ, और हस्बैंड को भी दे देती हूँ, हम सब लोग खा लेते हैं, तो वो तो ख़त्म हो गए थे। तो वो ये मैंने पैकेट खोलकर जो है ना बादाम को भी एक जार में जो है ना भर लिया है। अब जैसे कि इसका एक छोटा सा मैंने कोना जो है वो कट किया था, तो उसको जो है मैं एक रेज़र की हेल्प से जो है ना बांध कर, मतलब इसको अच्छे से लपेट कर जो है मैंने रख दिया है, ताकि इसके अंदर कोई जो है सीलन वगैरह ना जाए। अब जैसे कि ये लोकल शॉप से ही मैंने जो है वो लिए थे मखाने, तो वो जितने डब्बे में आए उतने मैंने डब्बे में कर दिए, बाकी जो है मैंने बांध कर रख दिए। और ये रिफाइंड ऑयल और सरसों का ऑयल मैंने अभी पीछे ही मतलब फील किया था, पिछले दिनों में ही, अभी कुछ दिन पहले ही, तो ये मैं अभी जो है फील नहीं करूँगी, जितना है उतना पहले यूज़ कर लूँगी उसके बाद में। और फ्रेंड्स, एक चीज़ एक ये भी है कि वैसे लोकल शॉप से मैं गरम मसाला मंगाती हूँ ना, मतलब 10-10 रुपए की अलग चीज़ें मंगाती हूँ, जैसे कि 10 किलो होंगे काली मिर्च, 10 की बड़ी इलायची चीज़ें, तो लोकल शॉप से यहाँ पास की शॉप में ना बहुत थोड़ा थोड़ा सा देते हैं, तो हमारे यहाँ बाज़ार लगता है, तो मैं सारे मसाले अलग अलग मतलब 10-10 रुपए के लेकर आई हूँ, तो काफ़ी अच्छे मुझे मिल गए हैं, तो वही जो है मैं ना अब भर रही हूँ मसालदानी में। तो जो मुझे जितने मुझे मतलब मसालदानी में भरने हैं, जितने इसमें आ जाएंगे उतने में इसमें कर लूँगी, बाकी जो है अलग अलग डब्बों में भर कर मैं रख दूँगी, जो कि मुझे निकालने में आसानी भी रहे, तो बस वही मैं कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज ना मैंने आप लोगों के साथ में अपनी मंथली ग्रोसरी, और मैं अपनी ग्रोसरी को किस तरह से मंथली ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ वो, और GMK जार जो है मैं किस तरह से मतलब रीयूज़ करती हूँ, इसके आइडियाज़, और किस तरह से मैं अपनी ग्रोसरी को मतलब ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ वो सब मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। कैसा लगा आप सभी को प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोग सभी प्लीज़ मेरा सपोर्ट करना, ये मेरा न्यू चैनल है, तो मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा आप सभी को प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सो फ्रेंड, यहाँ जितने भी वो है ना तेल के वो थे पैकेट्स वगैरह, वो मैंने रेड कलर की बास्केट में कर लिए हैं, और जो ये जो है ना जैम का जार भी मैंने ओपन कर लिया है। और ये देखिए, यहाँ मेरी चाय छन्नी जो है ना टूट गई थी, इसी वजह से जो है मैं दो छन्नियाँ लेकर आई हूँ, और वैसे भी जो है मैं घी निकालती रहती हूँ, तो उसमें भी यूज़ में आती रहती हैं, और जो है ये पैकेट जो मैं लेकर आई थी वो एक तो जो है ख़त्म होने वाला, मतलब हाफ ही रह गया है। और फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मेरी पूरी ग्रोसरी जो है मैंने ऑर्गेनाइज़ कर ली है। यहाँ देखिए जार कितने अच्छे लगते हैं ना, अलग ही मतलब चमकते हैं, कांच के जो जार है ना मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं।
तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने अपने जैम और सॉसेस वगैरह कॉफ़ी के जो है डब्बे वगैरह रख दिए हैं। यहाँ ये चावल का डब्बा है, चीनी वगैरह, और ये घी का जो है डब्बा रखा हुआ है, और साथ ही साथ जो मैंने जितनी भी अपनी चीज़ें हैं वो मैंने बढ़िया से जो है ऑर्गेनाइज कर दी हैं, सेट कर दी हैं। और फ्रेंड्स, मैं ना अपनी ड्रेसिंग के अंदर ही अपनी ग्रोसरी को रखती हूँ, क्योंकि और कहीं रखने की जगह नहीं है, इस वजह से थोड़ी सी मजबूरी है। तो बस जैसे तैसे करके मैं अपने हिसाब से ही अपनी ग्रोसरी को इस तरह से ऑर्गेनाइज करती हूँ। कैसा लगा आप सभी को मेरा ये तरीका, मेरे आइडियाज़, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो फ्रेंड, बस अब मैं इस वीडियो को जो है ना करूँगी अपने यहीं पर एंड। लास्ट में चाय पत्ती ही रह गई थी भरने से, तो बस मैं इसको भी भर रही हूँ। और फ्रेंड्स, बस मैं इस वीडियो को करूँगी अपने यहीं पर एंड। मिलूँगी अपने एक अच्छे प्यारे से व्लॉग में। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।